डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। हमारे पास वो पेशेंट 16 अगस्त को आई, उस दिन तो जिस दिन आई थी बहुत पेन में थी, उस दिन कुछ हिस्ट्री बताई नहीं, तो एग्जामिनेशन में हमें ये पता चला बहुत ज़्यादा सूजन थी, तो आई बॉल का स्टेटस कुछ पता नहीं चल रहा था, पर एग्जामिनेशन के दौरान जितना भी समझ आए कि ऐसा लग रहा था उसका आई बॉल नहीं है ऑर्बिट में दाहिनी आँख का। फिर उसको कन्फर्म करने के लिए हमने सीटी स्कैन और बी स्कैन कराया, तो उसमें भी कन्फर्म हो गया कि उसका आई बॉल प्रेजेंट नहीं है राइट ऑर्बिट में। फिर उसके बाद अब वो ट्रॉमा वाली आई थी, तो जैसे ही पेशेंट आई थी हमने उसका मेडिकल मैनेजमेंट उसी दिन स्टार्ट कर दिया, और फिर सीटी स्कैन और बी स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद हमने जो भी वुंड था उसको सर्जिकल माइक्रोस्कोप में एक्सप्लोर करके फॉरेन बॉडी है या नहीं पूरा थॉरली वॉश किया, उसके बाद जो भी बचा खुचा वुंड था उसको रिपेयर किया। पेशेंट से पूछने की बहुत कोशिश की, पहले 2-3 दिन तो वो बहुत पेन में थी, बहुत सूजन था, इसलिए वो कुछ बता नहीं रही थी। बाद में जैसा समझ आया वो ऐसा बता रही थी कि उसके पति ने उसका आग को निकाल कर आग में फेंक दिया, बाकी उसके बाद की घटना उसको भी नहीं पता, वो बेहोश हो गई थी। जैसे कोई आई डोनेट भी करता है तो हम सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, पर इसकी ऑर्बिट में कुछ भी नहीं बचा है, पूरा आई बॉल निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, तो विज़न का तो कोई चांस नहीं है इसमें, क्योंकि ये ट्रॉमा का केस है, चोट के कारण है, तो दूसरी आँख की रोशनी पे भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हमने उसका मेडिकल मैनेजमेंट जैसे ही आई थी वैसे ही स्टार्ट कर दिया था। उसके मायके वाले, उसके मामा भाई ये लोग आए थे, पर उन लोगों को भी जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वो जानकारी नहीं मिली थी, 2 दिन बाद शायद मीडिया से ही पता चला था उनको, किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था तब उनको पता चला था। दोनों आँख नहीं, सिर्फ दाहिनी आँख बाय रोशनी, लेकिन दाहिनी आँख चोट के कारण पूरा क्षतिग्रस्त है, तो उसके कारण उसकी जो बाईं आँख है उसकी भी रोशनी पे प्रभाव पड़ सकता है, पर हमने उसका मेडिकल मैनेजमेंट तुरंत स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ क्षति तो नहीं होना चाहिए। नहीं हम हाँ, जिस दिन डिस्चार्ज कर रहे थे उस दिन वहाँ से रिपोर्ट मांगा गया था थाने से, जब वो यहाँ आई थी तब तक तो कोई रिपोर्ट कायम नहीं हुआ था, डिस्चार्ज के दिन थाने से रिपोर्ट मांगा गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।